मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन होगा, ये सवाल अभी मध्य प्रदेश में हर किसी की जुबान पर है। सीएम की रेस में कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन किसी नाम पर फाइनल मुहर लगती इससे पहले ही एक और नाम अब चर्चाओं में आ गया है। जो नया नाम सामने आया है वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, क्योंकि इस नेता ने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है। नया नाम मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का है। सुमेर सिंह सोलंकी का नाम उनकी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अचानक सामने आया। इस मुलाकात की एक तस्वीर भी सामने आई है। हम आपको बताते हैं कि सुमेर सिंह कौन है। सुमेर सिंह का जन्म 1 मई 1972 को हुआ। सुमेर सिंह बड़वानी जिले के रहने वाले हैं। 22 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश से बीजेपी से राज्यसभा सांसद बने। राज्यसभा सांसद बनने से पहले बड़वानी कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर रहे। प्रदेश में बड़ा आदिवासी चेहरे के तौर पर पहचान। इस बार आदिवासी बेल्ट पर 24 सीटें जीती है भाजपा। संघ में अच्छी पकड़। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लो प्रोफाइल नेता है जो चर्चा में रहने से ज्यादा काम करते हैं। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की रेस में अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का नाम भी सामने आ गया है। सुमेर सिंह सोलंकी प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता है और प्रदेश में एक बड़ा आदिवासी चेहरा है। सुमेर सिंह सोलंकी संघ के चहेते माने जाते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में उनका नाम तेजी से उठकर सामने आया है।